मैं क्या देख रहा हूं, बहुत समय से देख रहा हूं कि जब से अयोध्या में मेरा राम का विवाह हुआ है, राम का विवाह होकर के आया है, तब से ही अयोध्या में मंगल बधाई बध रहे हैं, मंगल कलश पड़ रहे हैं, मंगल चौक पूरे जा रहे हैं, ये राम की खुशी में, क्योंकि राम और सीता मेरे घर में ऐसे लगते हैं कि दोनों रिद्धि सिद्धि के रूप में आकर के मेरे ग्रह में दोनों खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी मनोहर जोड़ी है। परंतु राय सुभा मुखरे कर लीना ओ सुभार मुखरे कर लीना वदन बिलोक मुखते सब कीना सवर समीप भय सीत के सा मन हो जरथे पर असे उप मंत्री सुमंत बड़े दिनों के पश्चात आज मैंने मुखर को हाथ में लेकर के मुख को देखा है। आज क्या देखने को मिल रहा है कि कान के समीप कुछ सफेद बाल हो गए हैं, तो वो बाल संकेत दे रहे हैं कि राजा अब तेरा राज चलाने वाला समय नहीं रहा है, अब तो तेरा समय भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करने के लिए शेष बचा है। क्योंकि मंत्री आता है ग्रीष्म काल, ये सुंदर बसंत ऋतु जाती है, अब तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है, वो काली मतवाली रात गई, वो काली मतवाली रात गई, छा गया चांद सा उजियाला, तकताए राहु चंद्रमा को है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। क्योंकि मैं बरसों गर्जा युद्ध स्थल में जब मेरी अवस्था थी मैं बरसों गर्जा युद्ध स्थल में और बरसों विषयों में लग्न रहा, बरसों तक देखा राजपाट, बरसों महलों में मग्न रहा, अब खाक डाल इस झगड़े को, जल्दी तलाश कर मुक्ति को, अरे नादान ब्याज के लालच में क्यों खोए देता पूंजी को। ये बाल संकेत करके बताते हैं कि दे रामचंद्र को राजपाट, क्योंकि राम मेरा बहुत बड़ा हो गया है, अब तो हर प्रकार से योग हो गया है, वो हर वस्तु को संभालने वाला है, सब प्रकार से चतुर है, दे रामचंद्र को राजपाट, अब घर को छोड़ तपस्या कर, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद का शासन कर। तो मंत्री सुमंत मेरे हृदय के विचार है कि अब मैं यहाँ का युवराज पद राम के लिए दे दूं तो ये कैसा रहेगा, इसमें तुम सब लोगों की क्या मति है, क्या सहमति है, जो मैं कह रहा हूं ये उचित है या अनुचित है? महाराज आप अनुचित तो कभी कह भी नहीं सकते, क्योंकि आप साक्षात धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, पृथ्वी पर आप जैसा धर्मज्ञ राजा अभी तक नहीं हुआ है, और भगवान आपने अवध की प्रत्येक जनता की बात को, मन की हृदय की बात को समझ करके ये आपने बात कही, आपके अवध की प्रत्येक जनता यही चाहती है कि राम राजा के रूप में हम राम को देखें, इसलिए महाराज आपने बहुत ही सुंदर विचार व्यक्त किए हैं, और भी सभी यह विचार और आनरप सुदन सो अवसर पाए प्रेम पुलक तन मुदेत मन कोई सुनायो जाए। तुम लोग सब लोगों का यही मत है कि राम के लिए यहाँ का युवराज पद दे दिया जाए। जी महाराज, तुम्हारी क्या सहमति है? महाराज हमारी तो परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपकी आयु करोड़ों वर्षों की हो, कि जो आपके हृदय में इतना उत्तम विचार आया कि कल आप प्रभु श्री राम को अयोध्या का युवराज पद देने के लिए जा रहे हैं, तो इससे अधिक खुशी की बात आपके लिए, हमारे लिए और समस्त प्रजावासियों के लिए हो ही नहीं सकती कि कल आप प्रभु श्री राम को अयोध्या का युवराज पद देंगे। धन्य हो, राजमत मुझे प्राप्त हो गया, अब जनमत और चाहता हूं इन सब से पूछा जाए कि इन सब की क्या राय है नगर निवासियों की, कि यहाँ का राम को युवराज बना दिया जाए या नहीं, सबसे पूछो। जो आज्ञा महाराज।
भैया समस्त प्रवासियों आप जोर से हाथ उठा के बोलेंगे कि प्रभु श्री राम को अयोध्या का युवराज पद दिया जाए या नहीं? दिया जाए। जय हो महाराज की, जय हो महाराज। समस्त प्रजावासी उत्साहित होकर कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम को ही और कल ही युवराज पद दे दिया जाए। ठीक है, जनमत प्राप्त हो गया, राजमत प्राप्त हो गया, अब हम गुरु मत भी चाहते हैं। गुरु जी को चल करके ये सुख संवाद सुनाएंगे, जैसा गुरु जी कहेंगे हम वैसे ही आगे करेंगे। गुरुदेव कृपा करना, गुरुदेव दया करना, गुरुदेव दया करना, गुरुदेव कृपा करना, गुरुदेव दया करना, गुरुदेव कृपा करना। इस प्रकार से महाराज दशरथ ने भैया प्रवासियों गुरुदेव को यह समाचार सुनाया। गुरुदेव की आज्ञा हो गई कि राम को कल युवराज पद दिया जाएगा। भगवान श्री राम के समीप में गुरुदेव भगवान पधारे और सारी शिक्षाएं दी। अब तो पूरी अयोध्या में ये बात फैल गई कि कल महाराज दशरथ भगवान श्री राम को युवराज पद देना चाहते है। तो सभी अयोध्या वासी बड़े ही प्रसन्न है। सुमंत जी हाँ, और समस्त प्रवासियों कितनी खुशी की बात है कि कल हमारे महाराज प्रभु श्री राम को अयोध्या का युवराज पद देंगे। तो चलो खुशी से नाचो गाओ और मंगल गाओ। कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। भैया तुम क्या सेवा करोगे? प्रभु श्री राम युवराज पद पर आसीन होने वाले हैं, तो क्या 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 सेवा करोगे? मैं एक माली बन जाऊं प्रभु की, और माला नित्य बनाऊं, मैं माला नित्य बनाऊं, श्री राम जी को जाए पहराऊं, भंवरा बन कर चरण कमल का, भंवरा बन कर चरण कमल का, सदा करो रसला। कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, राम राम हो राम राम राम, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। वैसे भैया महाराज दशरथ का मैं प्रधान मंत्री हूँ, परंतु राम जब राजा हो जाएंगे तो मैं तो मात्र माली का काम करूंगा और प्रभु श्री राम को नित्य प्रति एक सुंदर माला बनाया करूंगा। मंत्री तो हम बन जाएंगे ना, आप बन जाएंगे मेरे स्थान पर। तो मैं प्रभु को नित्य प्रति एक सुंदर माला बनाया करूंगा और प्रभु को नित्य प्रति पहनाया करूंगा। नाम मंत्रा मल्लमती चेरी के कई के अजस पिटारी ताह कर कई गिरा मत पे। सारे अयोध्या में बड़ी प्रसन्नता है कि कल राम युवराज पद ग्रहण करेंगे, लेकिन देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। देवता सारे व्याकुल हो गए कि कल यदि भगवान श्री राम युवराज बन जाएंगे तो फिर इस रावण का विनाश कैसे होगा। तो देवताओं ने मिलकर के माँ सादा को कहा, हे देवताओं तुम देख अवधपुरी में कैसा हर्ष उल्लास मनाया जा रहा है, क्योंकि कल प्रभु श्री राम को अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा, और यदि ऐसा हो गया तो हम सभी देवता रावण के बंदी खाने में पड़े रहेंगे। इसलिए उचित तो यही रहेगा कि प्रभु राजा ना बन करके और उस रावण का विनाश करने के लिए वन में जाएं, परंतु अब क्या किया जा सकता है? ब्रह्मा जी कोई उपाय बतलाइए। भोलेनाथ मैं क्या बता सकता हूँ, आप ही कोई उपाय बताएं क्या किया जाए। हम शारदा जी का आह्वान करते हैं, वही इस कार्य को कर सकती हैं। माँ शारदा का आह्वान किया और जैसे आह्वान किया माँ शारदा प्रकट हो गई। जय हो माँ। देवताओं ने कार्य बतला दिया।
हे मां शारदा, आप शीघ्र ही अयोध्या के लिए जाइए और वहां पर कैकेयी की दासी एक मंत्रा है, उसकी बुद्धि को आप भ्रमित कीजिए, ऐसा कार्य कीजिए जिससे प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा ना बने। मां शारदा को भेजा और मां शारदा पधारी अयोध्यापुरी में, तो सभी नाच रहे गा रहे हैं, आज होंगे राजा राम, आज होंगे राजा राम। लेकिन विचार किया मां शारदा ने कि ये देवता कितने स्वार्थी होते हैं, ऊंच निवास नीच कर तो थी, देख न सके पराए विभूति, आगल काज विचार बहोरी करें चाहो कुशल कवि मोरी। सभी नाच रहे गा रहे हैं, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। इतने में मंत्र आ गई, देखा सभी नाच रहे गा रहे हैं, नाम मंत्रा मंद मति चेरी के कई के, अजस पिटारी तारी कर के राम तुके। मां शारदा भस्म कर और पुत्र को वनवास दे। मां शारदा ने मंत्रा की बुद्धि को फेर दिया, अपनी माया का प्रभाव डाल दिया। दीख मंत्रा नगर बधावा, मंगल मंगल बाज बधावा, पूछ से लोगन कहा उछाऊ, राम तिलक सुन भाऊ। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या कारण है? चल करके किसी से पूछ लेती हूँ। राम 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 में उचार तो करन दो ने को। बेटा बेटा रामू, दादी राम राम। हाँ बेटा, ये बता। कहो। आज अयोध्या में क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी सजावट हो रही है, चौक पूरे जा रहे हैं, बंधनवार तोरण ध्वजा पताका, जगह जगह पर कलश नारियल आम के पत्ता इत्यादि, ये सब क्या हो रहा है बेटा? तुम्हें नहीं मालूम कि ये अयोध्या एक दुल्हन की तरह क्यों सजाई जा रही है? अरे बेटा, मुझे अब बुढ़ापे में कौन बतलाता है? तो सुनो, मैं बताऊंगा तुम्हें बुढ़ापे में। हाँ? ये अयोध्या इसलिए सजाई जा रही है कि हमारे महाराज दशरथ प्रभु श्री राम को कल अयोध्या का युवराज पद देने वाले हैं। अरे अरे अरे, इसे देखो, जो सुन रहा है वो ही खुशी से नाचने लगा, और ये करम फूट ऐसी है कि सुन के माथे पे हाथ धर के रोने लगी। अरे दादी, काहे को रो रही है? बेटा हाँ, ये तूने क्या कह दिया? क्यों? क्या वो काला कलूटा राम अयोध्या का राजा बनने वाला है? अरे वो ही बनेंगे राजा, काले हो या गोरे, राजा तो राम को ही होना है। बेटा यहाँ पर कोई पंडित जी हैं? पंडित जी विराजमान हैं, देखो कितने सुंदर पंडित जी विराजमान हैं सामने। किधर हैं? बोरे पंडित जी पायलागू। प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो, कहो। हाँ वो मैं ये कह रही हूँ। क्या कह रही हो? सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ, सुनाई पड़ रहा है, आप आज्ञा करिए। हाँ तो ये बतलाइए, आप अपना पहले पटपरा खोल लीजिए। पटपरा? हाँ। अरे बोलना तो सीख ले, पटपरा नहीं पत्रा। हाँ वोई 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 बेटा, मेरी उम्र पर आएगा ना तू भी राम राम की जगह लगाम लगाम कहने लग जाएगा बेटा। हाँ बतलाइए क्या कहना चाहती हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये कह रही हूँ बेटा, तू अपने उस पंचांग में थोड़ा खोल करके ये तो देख कि वो काला कलूटा राम अयोध्या का राजा होगा या मेरा बेटा भरत अयोध्या का राजा होगा। इस पत्रा में तो यही लिखा हुआ है कि भरत भुवाल हो यह साची, कि तुम्हारे जो भरत लाल जी हैं वो अवश्य ही राजा होंगे, लेकिन ये पता नहीं कि अयोध्यापुरी के राजा होंगे या फिर इस पृथ्वी के राजा होंगे, ये मालूम नहीं। मैंने शब्दकोश पढ़ा है, दो चार श्लोक सीख करके पंडित नहीं बनी हूँ मैं बेटा,
बुआल का अर्थ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। भूमाने पृथ्वी, आल माने गुफा, और भूमाने पृथ्वी, आल माने राजा, दो भावार्थ निकलते हैं। तो मेरा जो भावार्थ है वो यही है, गुफा वाला राजा नहीं, पृथ्वी का राजा। आपके मुंह में घी शक्कर पंडित जी, मैं तो यही चाहती थी। अब आप एक काम कीजिए जी, आपके कहे अनुसार मेरा बेटा भरत राजा हो जाएगा जी, बुआल हो जाएगा, आप मेरे साथ चलिए। चले पंडित जी। भरत मात पे गई बिलखानी, जब ये समाचार मथुरा ने सुना कि राम कल युवराज पद पर आसीन होने वाले हैं, तो बड़ा दुख हुआ। तुरंत ही चली के भवनों में, भरत मात कह गई बिलखानी, कहान मन हस हस कह रानी। आज इस तरह का त्रिया चरित्र दिखाऊंगी कि मेरा बेटा भरत ही अयोध्या का राजा होकर के रहेगा। वो काला कलूटा राम तो सिंहासन पर बैठ करके उसको लज्जित करेगा, मेरा बेटा भरत राजा हो जाएगा। हे हनुमान बाबा, हे नौ दुर्गा, हे चंडी देवी, हे मनसा देवी, यदि मेरा बेटा भरत राजा हो गया तो मैं एक पैसे की चनोरी प्रसाद बांट दूंगी आपके लिए। उतर दे न ले उस आंसू, नार चरित कर डारे आंसू। रानी जी पहला प्रसन्न रहो। अस कह रान गाल बड़े तोरे, दीने लखन सुख अस मन मोरे। अरे मेरी समझ में नहीं आता है, तू और दिन जब आती थी तो मेरे समीप आकर के बैठती थी, आज तो तेरे ये गाल फूले हुए हैं, मुंह फूला हुआ है, क्या बात है। अरे तू बताती नहीं है, क्या लखन लाल ने तुझे कुछ उचित शिक्षा दे डाली है मंथरा मंथरा। अरे तू बोल। अरे हम सबने शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं, जो रो रही सगुन सर शायद ये कैसे लचर फेरे, तू जो रो रही सगुन शायद ये कैसे लचर फेरे। क्या बात है मंथरा, अरे तू बोलती क्यों नहीं है। अरे तेरे मौन रहने से मुझको भय हो रहा है, अरे शीघ्रता से बतला क्या बात है, तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है, क्यों। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, महाराज सब कुशल से तो है ना, अरे बोलती क्यों नहीं है मंथरा। राम छाण कुशल कहीं आजू, जे जन से देवराजू। महारानी जू, अरे भला अब हमको कौन शिक्षा देगा, और किसका बल पा करके हम अपने इन गालों को फुलाएंगी। आज तो प्रसन्नता, और यदि सबसे ज्यादा प्रसन्नता है तो केवल राम के ही लिए है, क्योंकि आज नहीं कल प्रातः काल महाराज दशरथ उनको अयोध्या का राज तिलक दे रहे हैं। उनसे ज्यादा कुशल अयोध्या में और कोई नहीं है। नींद बहुत प्रिय से तुराई, लखन भूप कपट चतुराई। और एक आप हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि कल राम का राज तिलक होने वाला है। अब मैंने आपको समाचार दिया है तब आपको पता चल रहा है। आपको क्या अच्छा लगता है, अच्छा भोजन हो, अच्छा सोने के लिए गद्दे हो, तोसक पलंग हो, चमर छत्र हो, अच्छा केवल इतना ही लगता है। लेकिन महाराज दशरथ की चतुराई और कपट भरी चतुराई को आप नहीं जान सकती हैं, क्योंकि आप बहुत भोली हैं ना।
पुण्य से कबो कैसे घर फोरी तब धर जीव कराब हो तोरी। जो आपके तूने इस प्रकार से वचन कहे ना तो मैं तेरी जीव नचवा लूंगी। अरे चल निकल यहाँ से चल लालनी, अरे किसने तेरी मत मारी है, किसने तेरी मत मारी है, जो जल सा फिर रुई के लिए बन कर आई चिनगारी है, जो सुचंद रुई की घेरी को आई बन कर चिनगारी है। मंत्रा, अरे मेरा राम राजा हो रहा है, तुझे क्या दुख है? अरे तू ये बात समझ, कल यदि मेरा राम राजा बनेगा ना तो दासी तू मुझसे जो भी वस्तु मांगेगी मैं तुझे वही दूंगी। किंतु कौशल्या सब सब में तारी, राम ही सहज स्वभाव प्यार। मंत्रा तू जानती नहीं है, मेरे राम को तो सभी माताएं कौशल्या के समान प्रिय हैं, सबसे इसी प्रकार स्नेह करते हैं जैसे कौशल्या से करते हैं। और तू ये नहीं जानती है वह राम तो सब माताओं में अरे मुझसे ही विशेष स्नेह करता है। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभ कस तोरे। अरे मुझे ये बता, राम तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, और मेरा राम का राज अभिषेक हो रहा है, तेरे हृदय को क्या कष्ट हो रहा है? भरत सपत तो सत्य कहूं पर हरि कपट दुराव, हरस समय विस्मय करस कारण मोहि सुना। देख मंत्रा, अरे तुझे मेरे भरत लाल की सौगंध है, तू सत्य सत्य बता क्या कपट है क्या बात है, और ऐसे हर्ष के समय तू शोक उत्पन्न कर रही है, ये तुझे शोभा नहीं देता है, अरे बोलती क्यों नहीं है? एक ही बार हे भगवान, एक ही बार आज सब पूजी अब कछु कहे जीव कर दो जी। महारानी जी आप दूर रहिए मुझसे, मैं तो एक ही बार बोल करके पछता रही हूँ। हाँ अब यदि दोबारा कुछ कहूंगी ना तो पहले प्लास्टिक की जीभ लगवा के आऊंगी, तब कुछ कहूंगी। हाँ अरे हमारे लिए कोई राजा हो जाओ, हमें क्या मतलब है, हम तो व्यर्थ सोच में पड़ गई, सोचा अच्छे के लिए था यहाँ तो और उल्टा हो गया। एक बार बोली तो सब ही आस पूज गई, दूजी बार बोले तो जीव को जरावे ना, मन ना उदास करो सुख से निवास करो, आपके महल बीच कलह मचावे ना। राम राजा होए चाहे राजा जी भरत होए, बिंदु कभी भली बुरी बात समझावे ना, एहो महारानी हमें काहे की गलानी, हम तो पानी ही भरब छाण रानी बन जावे ना। कोई राजा हो जाओ हमारे लिए, राम हो चाहे भरत हो, हम तो दासी हैं दासी ही रहेंगी, पठरानी तो बनने से नहीं, हमें क्या मतलब है किसी? तुम पूछो मैं कहते डराऊं, धरो मोर घर फोरी ना। आप पूछ रही हैं और मुझे कहने में ही डर लग रहा है, आपने मेरा पहले ही घर फोड़ी नाम रख दिया है, मेरा तो ये बागी ही फोड़ने लायक है, इसको मैं अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मंत्रा अरे सुन सुन सुन। चतुर गंभीर राम में तारी, बीच पाए निज बात संभाल। अरे वो राम की महतारी कौशल्या बड़ी चतुर है,
समय देख करके उसने अपना ताव चला दिया, महाराज को अपने बस में करके अपने पुत्र राम के लिए अयोध्या का राज मांग लिया। पठे भरत भूप ननोरे राम मातमत जानव रौरे। अब वो कौशल्या आपके लिए सौत हो चुकी है, आप जानती ही नहीं है। आपने अपने पुत्र भरत को भेज दिया है कहाँ, अपने मायके में अर्थात भरत की ननिहाल में, और यहाँ पीछे से राज तिलक हो रहा है, भाई राजा बनने जा रहा है, दूसरे भाई को बुलाया भी नहीं जा रहा है, आपको कुछ पता भी नहीं है, ये सब क्या हो रहा है। रच प्रपंच भूपई अपनाई राम तिलक तिलगन धराई। सारा प्रपंच उस कौशल्या ने रच दिया और लगन के अनुसार, अरे हाँ आपका जब विवाह हुआ था तो ये तो पहले से ही तय हुआ था कि आपका ही पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा सुलटा हो रहा है। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, आप कोई चिंता नहीं करना। कौशल्या सौत है और सौत चून की भी बुरी होती है महारानी जी। देखिए मैं आपको आज बतलाए देती हूँ, यदि कल राम राजा हो गया तो आपके लिए विपत्ति के बीज विधाता ने बो दिए हैं। अब आप तैयार हो जाइए दासी बनने के लिए। राम तिलक काल जो भयो तुम कहो विपत बीज विध भयो। आपको यहाँ पर इस तरह से रखा जाएगा दासियों की श्रेणी में, और ज्यादा यदि आप बकबक लगाएंगी तो क्या होगा, आपको राज्य से इस तरह बाहर फेंक दिया जाएगा जैसे हलवाई के दूध में मक्खी गिर जाती है, और वो मक्खी को निकाल करके और उसको भी निचोड़ करके बाहर फेंक देता है, इस तरह आपको फेंक दिया जाएगा। हाँ महारानी जी देखिए, तुम्हें कौशला देव भरत बंदी ग्रह से है लखन राम के ने। जैसे कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, सर्प की माता कद्रु ने गरुड़ की माता बिनिता को दासी बना लिया था, उसी प्रकार से कौशल्या आपको दासी बना लेगी। महारानी जी भरत लाल बंदी ग्रह में रहेंगे और लक्ष्मण राम की बगल में खड़ा होगा निजी सचिव बन करके, सारे पद ले लेगा, देश मंत्री विदेश मंत्री खाद्य मंत्री सारे पद लक्ष्मण ले जाएगा, आपके बेटे के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। के सुता सुत कटवानी कह न सके कछु सहम सुखानी। अरे दासी तू क्या कहती है, अरे मेरी कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे साफ साफ बतला तू कहना क्या चाहती है। अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया, इतनी देर जो मैंने कहा कुछ भी समझ में नहीं आया। हे भगवान, अरे अपना हित और अनहित तो पशु पक्षी भी पहचानते हैं, जिसमें कि तो आप तो बहुत चतुर है ना, लेकिन सुनिए जब आप नहीं पहचान रही हैं तो मैं आपको स्पष्ट बतलाए देती हूँ। अब आप ये सुन लीजिए, यदि आप भलाई चाहती हैं, जो जो आपको असगुन हो रहे हैं, जिस कारण से असगुन हो रहे हैं, वो विधाता आपके विपरीत चल रहा है, आपको मेरे विचार से रात्रि में बुरे स्वप्न भी दिखते होंगे। नहीं यार जन्म भरव भर जाई जियत न करव सवत सेवकाई। अरे दासी तू सत्य कहती है, मुझे ध्यान हो गया, मुझे याद आ रही है, यदि ऐसा हुआ भी ना तो मैं अपने मायके में जाकर अपने दिन व्यतीत कर लूंगी, लेकिन अपने जीते जी अपने सौत की सेवा नहीं करूंगी। ठीक कहा है आपने, और सौत की सेवा तो करनी भी नहीं चाहिए, और बेटी तो अपने पति के ही घर पर अच्छी रहती है, मायके में अच्छी नहीं लगती है, इन्हीं की छाती पर मूंग की दाल दलिए आप मेरे रहते हुए, मैं आपके साथ दहेज में कोई ऐसे ही थोड़ी आ गई हूँ ना। पारो कूप तुए बचन पर सको पूत पति त्याग, कैसे मोर दुख देख बड़े कसन करव हितलाग। दासी मैं तेरे कहने से अपने पति को छोड़ सकती हूँ, अपने पुत्र को छोड़ सकती हूँ, तेरे कहने से मैं कुआं में गिर सकती हूँ, लेकिन अपने जीते जी अब सौत की सेवा नहीं करूंगी।
आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, न जाने विधाता ने इतने दुख मुझे कैसे दे डाले। उपाय पूछा दासी, एक ही साथ आप तू मुझे उपाय बतला। आप स्वप्न देखती हैं ना? हाँ, मैं रात्रि को स्वप्न देखती हूँ और स्वप्न में मेरा बायां अंग नित प्रत फड़कता है। आपका तू जानती है कि मैं तो स्वभाव की बड़ी भोली हूँ, कैसा दाया होता है कैसा बाया होता है मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ। हाँ। और मैंने अपने मोह के कारण मंत्रा तुझे नहीं बतलाया है, मेरा दाया अंग नित प्रत फड़कता है। महारानी जी सुनिए, महारानी जी देखिए, बात कहते कहते भूल जाती हूँ तीन जगह ध्यान होने से। बात यह है, आपका तो केवल दाया अंग फड़कता है, मैं तो खाट में परी परी सारी की सारी फड़कती रहती हूँ। दिन में नींद नहीं आती है, रात में भोजन अच्छा नहीं लगता है। देखिए ना, सूख सूख करके बिठोरा होती जा रही हूँ मैं भी अब। मंत्रा? हाँ। तू सत्य कह रही है मंत्रा, मंत्रा हर्षित हूँ तेरे मत की बलहारी है, है अब से ऋणी भरत तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने ये सोचा था क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर वारी जाऊं दीवार कपट की तोड़ी है। मंत्रा, अरे तेरी मति की बलिहारी है, मैं भरत की माता नहीं, भरत की माता तो तू है। तू मुझे सत्य सत्य बतला, इस समय मुझे क्या करना उचित है, क्या करना चाहिए मंत्रा? दोए वरदान भूपसन थाती, मागो आज जुड़ावो छाती। हाँ, अब सुनिए ध्यान से महारानी जी, आपने जो कहा भरत ने मेरी गोदी से ही तो जन्म नहीं लिया है, कोख से ही तो नहीं जन्मा है, छोटे से इतना बड़ा कर दिया मैंने, जब वो दो बूंद जिंदगी की पीता था तब से इतना बड़ा कर दिया। अब तो आप कोई चिंता ही नहीं करें, अब तो वो ही राजा बन के रहेगा, इस गद्दी पर बैठ करके ही रहेगा। सुनिए, देवासुर संग्राम के आपके दो वरदान महाराज दशरथ के ऊपर थाती रूप में अर्थात धरोहर रूप में रखे हुए हैं, आपने मुझे बतलाया था, आपको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है, आज उनका समय आ गया है, आप वो दोनों वरदान महाराज से मांग लीजिए। पहले वरदान में क्या मांगना है? पहले वरदान में सुतहि राज राम ही वनवासु, देव लेउ सब सबत उलासु। प्रथम वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज, और दूसरे वरदान में उस काले कलूटे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। भूपत राम सपत जब करही, तब मांगो जी बचन न टरही। और ये भी ध्यान रखना, जब तक महाराज दशरथ राम की शपथ नहीं ग्रहण करें, राम की सौगंध नहीं खाएं, तब तक अपने वरदान नहीं मांग लेना, नहीं तो वचन खाली चला जाएगा। हाँ, राम की शपथ जब वो खा जाएंगे तो वो अपने वचन से अलग नहीं हो सकते हैं, तो मैं मुंह मांगे दोनों वरदान मिल जाएंगे। बड़ कुगात कर पातकिनी कहे सको पिग्रह जाऊं। हाँ, क्या मजाल है राजा की, अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ अगर उसको तू मंजूर करे। हे रामचंद्र भी राजकुमार, हे रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निर अपराधी है, अरे बन के तो 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। अरे दासी, कोई ऐसा उपाय और बतला, रामचंद्र तो कोमल है निर अपराधी है, 14 वर्ष तो बहुत हो जाएंगे, 2-4 वर्ष का वनवास नहीं मांग लूं? 2-4 वर्ष का? आप तो बहुत भोली हैं, आप ये भी नहीं जानती हैं, अगर आप 12 वर्ष का भी वनवास मांग लेंगी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? आप नहीं जानती हैं, राष्ट्र का ये संविधान है कि 12 वर्ष तक राज्य का उत्तराधिकारी अगर लौट करके आ जाता है तो वो पुनः अपने राज्य को वापस ले सकता है, अगर नहीं मिलता है तो वो राष्ट्र संघ की अदालत में अपने राज्य को पुनः ले सकता है। इसलिए 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि ऐसा कहते हैं 12 वर्ष यदि कोई व्यक्ति वन में रह लेता है
तो उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति क्रिया सभी साधु जैसी हो जाती हैं। राम 14 वर्ष वन में रहेगा, राज्य की उसे कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, वो फिर जीवन भर वन में ही रह जाएगा और मेरा बेटा भरत जीवन भर अयोध्या का राजा ही बना रहेगा। पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगना तो अब मुझे उपाय बतला, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? करना कुछ नहीं है, सीधे चले जाइए। इस राज्य में ये नियम है, किसी को राज्य घराने के व्यक्ति को अपनी बात मनवानी होती है तो वो कोप भवन में चले जाते हैं। आप भी कोप भवन में जाइए। अच्छा, ये सारे श्रृंगार बिगाड़ दीजिए और काले वस्त्र पहन लीजिए, पहुंच जाइए वहां पर, चारों ओर अपने शरीर पर जगह जगह गुड़ लगा लीजिए। अच्छा, जिससे चिपचिपा शरीर हो जाएगा, आपके ऊपर मक्खी भिनकने लग जाएंगी, तब आपको भवन में जाना, टूटी खटिया पर जाकर के पड़ जाना। अच्छा, महाराजा आपके पास अवश्य आएंगे आज, और जब वो आपके पास आएंगे मौका देख करके आप अपने दोनों वरदान मांग लेना, लेकिन सुनो महाराज की बातों में मत आ जाना, वो कभी कहेंगे कोकिल बेनी, मृग नैनी, पिक बेनी, सुलोचनी, सुनैना, ये पुरुष जो होते हैं ना अपनी बात मनवाने के लिए ना हर बात की हामी भर लेते हैं, लेकिन आप सौगंध दिला करके दोनों वरदान ले लेना और आप चिंता नहीं करना, फिर मैं हूँ ना मंत्रा। अरे और तो सब कुछ मैं कर लूंगी, तू सब जानती है, किंतु मेरे स्वभाव को भी जानती है, ये रूसना मटकना तो मुझसे आता ही नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं रूसना मटकना। तो भगवान सब कुछ मुझे ही बतलाना पड़ेगा। अरे थोड़ा बतलाओ क्या करूं? वो आपकी तरफ देखें। अच्छा, तो आप ऐसे मुंह कर लेना, और यदि वो आपसे थोड़ा छूने की कोशिश करें, हाँ हाँ, ऐसे करना। अच्छा, थोड़ा फुदक के, थोड़ा उटक के, थोड़ा मचक के, हाँ, आपको पूरा त्रिया चरित्र करना है। और अगर वो आपकी तरफ देखकर हंसे तो आपको हंसना नहीं है। अच्छा, वो बोले तो पहले तो बोलना ही नहीं है। हाँ हाँ। जब वो अधीर होने लग जाए तो बस आप अपनी बात आरंभ कर देना। अच्छा, बस काम हो जाएगा। अरे मंत्रा, बस रात रात की बात है, बस सवेरे तो समझ लो राज माता बन जाओगी। हाँ, ऐसा? अरे मंत्रा, तेरी मति की बलहारी जाती हूँ, यदि विधाता मेरे इन मनोरथ को पूर्ण करेगा तो तुझे मालूम है मैं अपनी आंखों की पुतली बना करके रखूंगी तुझे। हाँ, क्यों नहीं पुतली बना लेना, फिर मेरा ये जो कुबड़ है ना ये भी सोने से मर जाएगा। ठीक है, तो मैं को भवन को जाऊं? जाइए जाइए। अच्छा ठीक है, विलंब हो रहा है। हे विधाता, ये मेरी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि कल होंगे भरत युवराज, फिर मेरो कुबड़ मरे। भवते आदर दे कोप भवन गवनी के कई जी नहीं समझ पाई मंत्रा किस बात को। कर्म गति तारी नाही तरे, कर्म गति तारी नाही तरे, कर्म गति तारी नाही तरे, सतवादी हरिचंद्र से राज, सतवादी हरिचंद्र से राज, नीच ग्रह पानी फरे, कर्म गति तारी नाही तरे, कर्म गति तारी नाही तरे, कर्म गति तारी नाही तरे। और इधर में दासियां 16 श्रृंगार लेकर के कोप भवन में जा रही है, रानी केकई के समीप में, उनको क्या मालूम उनका कैसा वेश है, वो क्या चाहती है, दासी जा रही है,
केकई के पास। करवगति काशी पहुंची, केकई महारानी से कहा, महारानी जी प्रणाम, ये लीजिए श्रृंगार। क्रोध में आकर के केकई ने श्रृंगार को फेंक दिया। जा करके कह देना महाराज से मुझे श्रृंगार नहीं करना है। कर्म गति तारी नाय परे, कर्म गति तारी नाय परे। और उधर में महाराज दशरथ जा रहे हैं केके के भवनों की ओर। सांझ समय सानंद लप गयो के कही के, भवन निठुरता निकट के जयदर देह सने। मैं कल राम के लिए युवराज पद देने के लिए जा रहा हूँ, परंतु मैंने अभी अपने मुंह से केकई को नहीं बताया कि मैं राम को यहाँ का राजा बनाने के लिए जा रहा हूँ। वैसे मालूम तो उसे चल गया होगा, मगर जब तक मेरे मुख से नहीं सुन लेती है तब तक उसे सांत्वना नहीं होती है। मैं चलता हूँ। सामने देखा राशि आ रही है, दासियों से पूछा कहाँ है केकई इस समय। दासी दासी, अरे बोलो, इस समय तुम्हारी महारानी केकई कहाँ पर है? महाराज हाँ, हमारी महारानी कोप भवन में है। कोप भवन सुन सकचे उड़ाओ, भय बस अगर ऊपर नहीं पाओ। कोप भवन में, ये समय कोप भवन में जाने का तो नहीं, ये समय तो महलों में रहने का था। ये अचानक मंगल कार्य में अमंगल की सूची आकर क्यों? ये क्या, ये तो मुझे अशकुन हो रहे हैं। जैसे ही मैं मन बना करके आगे के लिए चला तो ये मुझे अशकुन होने लगे। चलता हूँ, चलता नहीं राजा, आज मैं चलता हूँ, चलता नहीं। ये मेरे मन का खेद, अशकुन ये खाली नहीं है अवश्य कुछ भेद। निश्चित ही विधाता कि आज कोई बहुत बड़ा अमंगल होने वाला है। ये जो अशगुल मुझे हो रहा है ये कभी तरके नहीं जा सकता, क्योंकि चलते हैं सच्चे बाण सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो आगे चलता है, दशरथ के पाम नहीं चलते। मैं बार बार पामों को आगे बढ़ाता हूं तो ये पाम पीछे को खींचते हैं, परंतु चलना तो होगा ही, पूछना तो पड़ेगा ही कि यह आने का कारण क्या है। सवै नरेश पिया पै गए, सवै नरेश पिया पै गए, देख दशा दुख दारुण भय, भूमि सैन पथ मत पुराना, पिए दार तन भूषण नाना, दिए दार तन भूषण नाना। जाय निकट रप कह मधवानी, प्राण प्रिया के हे तुरसानी। प्राण प्रिय, प्राण आद के सुमुखी, ए महारानी के कही, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारा ये क्या ढंगा है। महारानी अनिल तोर प्रिया के कीना, के दूसर के जम चय कीना। महारानी मैं आज तुम्हारे कहने इस रूप का कारण जान नहीं पा रहा हूं, आज तुम्हारे क्रोध का कारण मैं जान नहीं पा रहा हूं। क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? क्या किसी ने तुम्हें कड़वी आंखों से देखा है? मैं सत्य कहता हूं कि ऐसे कौन देहधारी प्राणी है जिसने आज महारानी केकई का अपमान किया है? गर्रानी, जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो,
वो आंख सर से निकलवा दूं, जिस जुबान ने तुमसे सख्त कहा वो जिब्या मुख से खिंचवा दूं। फिर मैं जानना चाहूंगा कि ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं महारानी? अरे जी लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? अरे पड़ गई मांग किस उलझन में, ये कुल का रंग क्यों बदला है? मैं जानना चाहूंगा कि क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है? अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा था उसका अवशेक दिवस कल है। तुम कहती थी कि राम के लिए यहाँ का राजा कब बनाओगे? मैं जानता था कि तू राम से विशेष स्नेह करती थी और राम भी तुझे विशेष स्नेह करता था, तो जिसके लिए तू चाहती थी उसका तो कल राज तिलक होने वाला है। उठो रानी, उठो, 16 श्रृंगार करो। अरे क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी, बोलो। अरे मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो, जो मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव बातों से मनाने आए हो, मन में तो रखते स्वार्थ भाव बातों से मनाने आए हो। तुम कहते हो मांगो रानी, एक मांग पे जान निकलती है, एक मांग पे जान निकलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है, मांगे से भीख न मिलती है। आपने मुझसे कितनी बार कहा है कि रानी मांगो, मांगो ना रानी, पहले मेरी बात सुन लो, मुझसे हाथ मत लगाना आप। छूटे हमें दोष जन देहू, दोए के चार मांग मकले हूं। आपने कहा था कि रानी तुम वरदान मांगो, अरे कभी कुछ लेते देते तो हो नहीं, खाली गाल बजाते रहते हो। आपको मालूम है आपके पास मेरे दो वरदान थाती रूप में रखे हुए हैं, मुझे आज उनको भी प्राप्त करने में संदेह है। अच्छा 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 अच्छा, तुम मैं अब समझ पाया कि तू वरदान मांगना चाहती है। अरे तो भाई मुझे झूठा दोष क्यों देती हो महारानी? अरे तुमने मुझसे मांगा नहीं, मैंने तुम्हारे लिए दिया नहीं, मेरे भोले स्वभाव के कारण ये बात मेरे स्वभाव से निकल गई थी, पर दो बार तो कोई चीज नहीं। अगर तू ये कह रही है महारानी कि मांगने के लिए कह रही है, अरे दो बार तो कोई चीज नहीं, जी में आए जितने ले लो, हमसे जितना तू मांगेगी उस उतना ही ले लो महारानी। इस मांग की इज्जत रानी जू, इस मांग की इज्जत रानी जू पूछो अपनी पटियों से। अरे प्रीतम की प्रिया इसी से हो कि भरती हो इसे मोतियों से, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो और बात के अपने सच्चा हो। अच्छा अच्छा ये कविता जाने दो, बोलो तो क्यों रुचि हो? अरे तुम तो फूलों सी हस्ती थी पर आज यहाँ क्यों रोती हो? सुनो, अरे तुम मेरे स्वामी हो और मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले, प्रण पालन करने वाले हो, अपने मरते हैं, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, अरे चाहे संसार
वही मेरे दो वरदान आपके थाती रूप में रखे हैं। यदि आप धनवान बनते हो तो मुझे मेरे वरदान दे दो। अरे दो वरदान के लिए कह रही है महारानी? अरे दो क्या, चार छह दस, जी में आए जितने ले लो। अरे दो वर तो कोई चीज नहीं, जी में आए जितने ले लो। हमने सीखा है नहीं नहीं, जो मन को भाए वह ले लो, क्योंकि गरजे तो बहुत पर बरसे ना बूंद। ये सब धोखा मेघों में है, जो कहा कहा वही दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है वो को लेनी। हमारे इस सूर वंश की पहले से ही रीति चली आ रही है कि अपने वचन के लिए चाहे भले ही प्राण चले जाएं, मगर अपना वचन नहीं जाने पाए। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि मांग, अगर मांगना चाहती है तो बोल क्या चाहती है। मैं तुझे प्रसन्न रखने के लिए महारानी जो मुझसे मांगेगी मैं आज वही दूंगा, पर ये तुम्हारा जो ये विचित्र भेष है ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है। हंस करके एक बार मुझे बता दो, सुनो एक बार हंस करके बता, उससे हाथ मत लगाओ, दूर रहो, पहले मेरी सुन लो। अरे कुछ क्रोध नहीं उपहास नहीं और करती हूँ अपमान नहीं, और करती नहीं अपमान नहीं, सच तो ये है राजा जी मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं, मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं, इन चुकनी चुपड़ी बातों में महाराज न मुझको नहीं कर रही, क्रोध नहीं कर रही, आपका अपहास नहीं करती हूँ, आपकी इन चुकनी छुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैं आपका इस प्रकार से विश्वास नहीं करूंगी। अगर आप सच्चे हैं, रघुवंशी हैं, सत्यवादी हैं, तो राम की सौगंध खा करके कहो। आज तू कितनी बड़ी बात कह करके राजा को समझा रही है कि मेरा पति है पर पति की बात पर भरोसा नहीं है। मैं तेरा पति हूं, आज पति की बात पर भरोसा नहीं रहा। वो महारानी तुम्हारी बुद्धि के लिए आखिर हो क्या गया? जिस पति के इशारे मात से हर विषय को पहचान लेना, पति के इशारे को जान लेना, ऐसी एक केकई की क्षमता थी। आज वही केकई कह रही है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं। महारानी आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह सत्य कहता हूं कि चाहे आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, ये मानिक समुद्र में हो पालों में मगर जाएं, मगर हम वो क्षत्रिय नहीं जो अपने वचन से मुकर जाएं। वो परमात्मा गवाह है, ये परमात्मा गवाह है, अनित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का ये कोप भवन है, ये देख लो, ये मध्यस्थ मेरी बात का ये कोप भवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है। है आन पहली मर्तबा इस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की। हाँ देखा बहुत बार हमने, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, जो एक बर भरे तैटी का, मागो दूसरे भरे करे जोरी, जोरे बो नाथ मनोरथ मोरी। सुनिए महाराज, मैं अपने वरदान आपसे मांग रही हूँ। हाँ मांगो, क्या चाहती हो, आज हम वो ही देंगे। सुनिए महाराज, प्रथम वरदान में मैं मांगती हूँ मेरे पुत्र भरत को राज्य मिलना चाहिए। यथास्त, यही दिया। और बोल और महाराज,
सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अरे मैं वरदान मांगती हूँ, अरे मैं वरदान मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज में मांगती हूँ, निज सुख को राज मांगती हूँ। दूसरा वरदान है जो मेरा, अरे सुन कर कहूँ मत होना, अरे सुन कर कहूँ मत होना, यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना, अरे धर्म से विचलित मत होना। सुनिए महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ, हाँ मेरा जो दूसरा वरदान है आप उनको उसको सुन करके कंपित मत होना। सुनो, मैं दूसरा वरदान क्या मांग रही हूँ, मैं राम, अरे राजा जो राम हो रहा, अरे वो राजा नहीं उदासी हो, वो राजा नहीं उदासी हो, वो राजा नहीं उदासी हो, कल ही चौथे बारिशों को तब सीवन बनकर बनवासी हो, आता पशुदेश विशेष उदासी, चौदह बरस राम वनवासी। सुनिए महाराज, मेरा जो दूसरा वरदान है ना, राम जो राजा हो रहा है वह राजा नहीं कल उदासी बनना चाहिए, और उसको 14 वर्ष के लिए वनवास मिलना चाहिए। सुने मृदु वचन भूत हुए शोको, सस कर चुवत बिकल जिमको, मोरी मनोरथ सुन तर फूला, फरत करने जिम हत समूला, अब दे उजार कीन के तीन अचले विपत के नहीं के कई, जभी तो मेरे मन का मनोरथ रूप कल्प वृक्ष फलने फूलने के लिए आ, उसे केकई रूपी हत्री ने जर से नष्ट कर दिया। कवन अवसर कहां भयो गयो नार विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिम जतई अविद्या नाश। क्या होने वाला था विधाता, क्या हो गया, आज मैं भी स्त्री के विषय में इसी प्रकार से मारा गया कि जिस प्रकार से योगी योग साधना करता है, और जब साधना का फल जब फलने को आता है तो अविद्या रूपी माया उसे नष्ट कर देती है। रानी, अब मैं तुझसे सत्य कहता हूं, रानी मैं तुझसे सत्य कहता हूं कि मेरा कोई कपट नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं कि मुझे सभी पुत्र मेरे समान है, मेरे समान है। मोरे भरत राम दुइया की, सत्य कहूं कर शंकर साखी। के कही, राम और भरत मेरे लिए दोनों है मेरी आंखें, सब पुत्र पिता को है संवार, तू भी ये बात जानती है, हे राम भरत समान मुझे ये त्रिभुवन पति साक्षी है। अवश्य दूत ने पटवे प्राता, एही बेग सुनत दो खाता, पहला बार तूने मांगा है वो नहीं हुआ है बार, मुझे मिल जाए राज भरती को उत्साह से स्वीकार मुले। रानी रानी ले राज भरती को पर और कूर व्यवहार न कर,
है राम गौसा दया पात्र उस पर इतना अन्याय न करे। महारानी रानी तेरा ये पति पूछ, रानी तेरा ये पति पूछ जो तेरा पूछ देवता है, आज तेरे पाँव पकड़ के ये इतनी भीख मांगता। वैसे पर हर अब दूर ना हो मुझसे आलंदा मेरा, इन बूढ़ी आंखों के आगे रे राम मेरा। कच्चे मर गए भरत जो राज, दो वरदान जो मैंने मांग लिए उनको पलट नहीं सकती, पड़ गई रेख जो पत्थर में धोने से अब निकल नहीं सकती। एक उपाय बताती हूँ। हाँ, कोई ऐसा उपाय बता दे कि मेरा राम के आगे आपका लाडला राम रहे। अब देश बात घड़ी ही में है, अरे पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्ध वाली औरत, ओ नीच बुद्ध वाली औरत, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है तू उसमें कालमा लगाती है। तू जानती है कि हम सूर्य वंश की चादर में कालमा न आने देंगे, ये सर्वस दे देंगे पर बचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दू तो आज धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है तो मेरा प्राण सिधारा जाता है। वो बस बस कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उस और धर्म का बाट रखा इस और प्राण का सौदा है। बेटे के प्यार दूर हो जा, ये दशरथ इस समय धर्म पर है, ये मोह पलायन हो तुरंत मेरा उत्तान कर्म पर है। होत प्रात मुन वेशन जुन राम बन जाए, मोर मन रावर अजस नप समझिए मन मान। सुनिए महाराज, ये स्त्रियों की बात रोना मुझको अच्छा नहीं लगता है, यदि प्रातः काल होते हुए राम वन के लिए नहीं गया तो मालूम है आपको क्या होगा, मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगी और आपका ये अपयश इस संसार में फैल जाएगा। आज तू नहीं बोल रही है महारानी, तू नहीं बोल रही है, तेरे मुंह से मेरी मृत्यु बोल रही है। अरे रानी मेरा कुछ ना बिगड़ता है, मैं तुझे पुनः फिर समझा रहा हूं कि रानी मेरा कुछ ना बिगड़ता है, जो आज तू मुझको ललकार रही पर रानी अपने पामों में तू स्वयं कुलाड़ा मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अपनी कंडी पर रानी तू सिर धुन धुन कर बचता हैगी। अगर तुझे राज चाहिए तो ले रानी रानी आंचल पसार, ये राज भी ले वरदान भी ले और ताज भी ले वनवास भी ले, इसके साथ साथ तू दशरथ के प्राण। अब तो इन्हीं किलाव कर सोई, लोचन ओट बैठ मोगोई। राम राम कहते हुए महाराज दशरथ राम से पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रातः काल हुआ, महाराज दशरथ प्रातः काल उठ करके सभी को दान दिया करते थे, द्वार पर भीड़ लग गई। हृदय मनाव भोजन होई, राम जाए कहे जन कोई। द्वार वीर सेवक कहीं उदित विरेक, जागे अजन अवध पति कारण कवन विषेक। भाइयों क्या कारण है आज महाराज प्रभु श्री राम को अयोध्या का युवराज पद देने वाले थे, परंतु महाराज के अभी हमको दर्शन नहीं हुए हैं, महाराज अभी तक सोकर नहीं उठे। जाओ सुमंत जगावो जाही,
कीजिए काज रजा सिपाही। हे तात सुमंत जी, आप जाइए और महाराज को जगाइए। गयो सुमंत तब राहुर माही, एक भयावन जात डराई। पूछे कौन उतर दे गई, जे भवन भूप के कई, कह जय जीव बैठ सुरनाई। कह जय जीव बैठ सुरनाई, देख भूप गत भयो सुखाई। परिन राज नीद हेत जान जगदीश, राम राम रट भोर किए कहन मरम महीस। सुमंत जी, महाराज को रात्रि भर निद्रा नहीं आई, राम ही राम रटते रहे, ईश्वर जाने क्या कारण है। आप जाओ और पुत्र राम को लेकर के आओ, राम को भेजो। चले उ सुमंत राव रुख जानी, लकी कुचाल कीन कछुरानी। सोच बिकल मग पर ही न पाऊं, राम ही बोल कहे कहाँ राम। कुछ समझ में नहीं आता, इस समय रानी केकई राम को बुलवा रही है। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि रानी की कोई कुचाल है, कुछ समझ में नहीं आता कारण क्या है। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सुन लेखा। निरख वदन के भूप रजाई, रघुकुल दीप चले उलवाई। बेटा राम, तुम्हारे पिता की आज्ञा है, केके के भ्रमण में तुम्हें बुलाया है। पिताजी ने बुलाया है। करुणा में मिल राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काव। तड़प धीर दर समय विचारी, पूछी मधुर वचन में तारी। मोई कहो मात तात दुख कारण, करिए जतन जी हो निवारण। माताजी, पूजवर पिताजी के कष्ट का कारण बताइए, मैं वही यत्न करूंगा जिससे कि उनके कष्ट का निवारण होगा। सुनो राम सब कारण एहू, राजे तुम पर बहुत स्नेहू। पुत्र राम, इसका एकमात्र कारण यही है कि महाराज का आपके ऊपर अत्यंत स्नेह है। और बोले वचन विघन सब दूषण, मधु मंजिल जन बाग विभूषण। दूसरी बात कोई बात नहीं है पुत्र, मेरे दो वरदान महाराज के पास थाती रूप में रखे थे, अब समय हुआ, मैंने महाराज से अपने वह दोनों वरदान मांग लिए। प्रथम वरदान में तो मैंने अपने पुत्र भरत को राज मांगा, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। यही कारण है, और कोई कारण नहीं है पुत्र। सुन जननी सोई सुत बर भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। तनये मात पित तो सनहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माँ, इस संसार में तो क्या, तीनों लोकों में वही पुत्र भाग्यशाली है जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, ऐसे पुत्र इस संसार में बड़े ही दुर्बल हैं। बड़भागी वह बेटा है जो पितामह का आज्ञाकारी है। माता यदि आज्ञा देती है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम स्वयं बेचारा करते थे, कुछ समय वनों में दें, जब जानेंगे ये दुख क्या है, जब ये जीवन दुखी जनों में है। परंतु माँ, मुझे कष्ट है तो एक ही बात का है कि इतनी सी बात के लिए और पूज्यवर पिताजी इतना दुख कर रहे हैं। आपने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि मुझे बन जाना है। सपन तुम्हारे भरत के आना, इतना दूसर में कछु जाना। पुत्र राम, इसके अतिरिक्त तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ, और ईश्वर जाने इनको क्या कष्ट है। जितना कष्ट इनको है मैं जानती हूँ, उतना मैंने तुमको बतला दिया। और तुम्हारा जो कर्तव्य है, जो तुम्हारा कर्तव्य बने वो तुम करो, जो तुमको उचित लगे। गई मूर्छा रामई, सुन नप कर वटलीन। राम सचिव राम आ राम,
सचिव समाज राव बैठारे चरण परत नृप राम निहारे राम ही चिते रहे नर नाहु चला विलोचन वार प्रवाहु बिदही मनाव राहु मन माही जय रघुनाथ न कानन जाही। विधाता मेरा तुमसे ये निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि मेरा राम वन के लिए न जाए। आशुतोष तुम आधर दाली आरती हरण दीन जन आशुतोष आशुतोष आप तो अवधर दानी है सबकी व्यादा को मेटने वाले हैं। आशुतोष आप ही कोई ऐसी कृपा करो जिससे कि राम वन न जाए। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमत राम ही देव बचन मोर तज रहे घर पर हर सील सने। विधाता तुम तो सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले आज मेरे राम के हृदय में वही प्रेरणा करो जिससे कि मेरे बचनों को न माने बचनों को मान करके बन के लिए न जाए। देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी तात कहो कछु करो बिताई अनचुत क्षम जान लड़काई। आप मेरी ढीठता को क्षमा करना मैं अनचुत समझ करके कुछ कह रहा हूँ क्षमा कर देना मुझे। मंगल समय स्नेह बस सोच परी है तात आय सुधे हरसी है कहे पुल के प्रभुगा। आप मंगल के समय शोक ना करें राम अपने दुख का निवारण करें और मुझे आशीर्वाद दें जिससे कि मैं बन के लिए जाऊँ। दीदा मात सुन आव मांगी चलिए बनई बोर पगला। लेकिन उससे पूर्व मैं अपनी बड़ी माताजी से विदा लेकर के आता हूँ। ऐसा न कहो राम तो मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करके मैं बन के लिए प्रस्थान करूँ। अस कहे राम गवन तब कीना भूत शोक बस उतर न दीना। श्री राम जय राम जय जय राम।